सो ये गाइज वेलकम बैक माई चैनल वंस अगेन। और गाइज इस वीडियो में जो बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आप जो है स्टेट जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उसकी जो है प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, यानी अगर आप जो है उत्तराखंड जो स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, उसकी अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन जो है आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आपका जो प्लस वंस का जो पार्ट्स है बैक्टीरिया का, ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस जो है बैक्टीरिया से जो है रिलेटिव्स हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस आपको आसानी से आ जाएंगे। और ये क्वेश्चंस जो है मैं ये हिंदी मीडियम्स पे, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हिंदी में हैं, ठीक है। जो जो इंग्लिश में है उनके लिए भी जो है अलग से क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर वन, देखिए, निम्न में से कौन स्वतंत्र जीवी वायवीय तथा अप्रकाश संश्लेषणीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इनमें से बताना है कौन स्वतंत्र जीवी वायवीय तथा अप्रकाश संश्लेषणीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया, ठीक है। यानी तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, एजेटोबैक्टर, ठीक है। तो एजेटोबैक्टर क्या है, एक स्वतंत्र जीवी एरोबिक तथा और ये अप्रकाश संश्लेषण नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया, ठीक है। यानी जो नाइट्रोजन फिक्सेशंस जो बैक्टीरिया होते हैं ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, बैक्टीरिया में श्वसन स्थल होता है, जो बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन जो होता है वो कौन से साइट में होता है, तो वो होता है आपका मीजोसोम्स में, जो साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन्स होती है बैक्टीरिया में वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु जो लेग्यूमिनस पौधों में पाए जाते हैं किस जीनस में आते हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है, लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो कौन से जीनस में आते हैं, वो आते हैं आपके राइजोबियम में, ठीक है, राइजोबियम में वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न पदार्थ कहलाता है, तो वो कहलाता है टॉक्सिन, ठीक है, यानी एक्जोटॉक्सिन जो होता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न जो सब्सटेंस टॉक्सिन कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्राम पॉजिटिव नॉन लेग्यूमिनस नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव नॉन लेग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, तो है आपका एजो स्पायरलम, ठीक है। तो एजो स्पायरलम क्या है आपके, ग्राम पॉजिटिव नॉन लेग्यूमिनस नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैक्टीरिया का यूज इडली बनाने में किया होता है, तो जो इडली बनाने में जिस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, ल्यूकोनास्टक मिसेंडराइटस, ठीक है। तो ल्यूकोनास्टक मिसेंडराइटस जो बैक्टीरिया है इसका यूज इडली बनाने में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, देखिए डिनाइट्रिफिकेशन का अर्थ है, तो डिनाइट्रिफिकेशन का अर्थ क्या है, देखिए मृदा में जो मिट्टी होती है उसमें अमोनिया व नाइट्रिस का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, यानी जो डिनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो अमोनिया व नाइट्रिस होता है उसका किस में चेंज हो जाता है, गैसीय नाइट्रोजन में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकांड्रिया नहीं होता है, तो माइटोकांड्रिया किस में नहीं होता है, बैक्टीरिया में माइटोकांड्रिया नहीं होता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया में माइटोकांड्रिया अब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मुक्त नाइट्रोजन में चेंज करते हैं, यानी NO2 को फ्री NO2 NO2 को फ्री N2 में चेंज करते हैं, वो कहलाते हैं आपके डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। तो डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसको किस में करते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन में इसको चेंज करते हैं, यानी मुक्त नाइट्रोजन में इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिप्रेसी, लिप्रेसी किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा, जो लिप्रेसी डिसीज़ है वो किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु के क्रोमोसोम में न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स होता है उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो होते हैं आपका सर्कुलर डीएनए, ठीक है, वृत्ताकार डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड उसमें होते हैं, तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम्स में न्यूक्लिक एसिड होते हैं सर्कुलर डीएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अपने आसपास के वातावरण के रसायनों की पहचान एवं प्रतिक्रिया किसके द्वारा जो है करता है, तो वो करता है पोरिंस के द्वारा, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसके जो केमिकल्स की जो आइडेंटिफिकेशन हैं, जो उसके जो उसमें जो जो रिएक्शन जो प्रतिक्रिया जो करता है वो करता है पोरिंस के द्वारा, ठीक है। निम्न में
ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करता है। तो जो ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करता वो क्या कहला वो करता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु के एक ध्रुव पर एक कसाब होने पर जीवाणु कहलाता, तो वो कहलाता मोनोट्राइकस, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में जो है इसका मैं जो है नोट्स बना के दूंगा, इसके जो है आप डायग्राम समझ जाएंगे तो डायग्राम से आसानी से इस क्वेश्चंस को यू आप जो देख सकते हैं, मोनोट्राइकस क्या होता है, एम्फीट्राइकस क्या होता है, लोफोट्राइकस क्या होता है, पेरिट्राइकस क्या होता है। तो अभी फिलहाल तो क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवाणु के एक ध्रुव पर एक कसाब यानी एक फ्लैजिला होने पर जो बैक्टीरिया होता है वो कहलाता है मोनोट्राइकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा जो है जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया के द्वारा जो नींबू में लेमन होता है उसमें जो रोग होता है वो होता है आपका सिट्रस कैंकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञात जीवाणु पादप परस्पर क्रियाओं से सर्वाधिक पूर्णतः अध्ययन किया गया एग्जाम्पल्स किसका है, ठीक है। ज्ञात जीवाणु पादप परस्पर क्रियाओं से सर्वाधिक पूर्णतः अध्ययन किया गया उदाहरण किसका है, तो यह है एग्रोबैक्टीरियम द्वारा कुछ खास आवर्त बीजों में गॉल निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाश्चात्यता कोष जो संबंधित है, तो ये रोगों का जो जर्म जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी थी वो किसने दी थी, पाश्चात्यन कोष ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया का जो अतिरिक्त गुणसूत्री आनुवंशिक तत्व होता है तो वो प्लाज्मिड कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सोट्रॉप, तो ऑक्सोट्रॉप होते हैं एक म्यूटेंट जो एक या अधिक आवश्यक यौगिकों को संश्लेषित करने की अपनी क्षमता खो देता है। तो जो म्यूट ऑक्सोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑक्सोट्रॉप्स होते हैं जो एक म्यूटेंट जो कि एक या अधिक आवश्यक यौगिकों को संश्लेषित करने की अपनी क्षमता खो देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बैक्टीरिया स्यूडोमोनास अपनी निम्नलिखित क्षमता के कारण उपयोगी होता है, क्यों उपयोगी होता है, ये कई ऑर्गेनिक कंपाउंड को यह क्या कर देता है, विघटित कर देता है, कार्बनिक यौगिकों को विघटित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु होता है उसको किन कारणों से एक पादप माना जाता है, तो उसमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है गाइज, ठीक है। आप अगर आप जो स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं मतलब जो मेडिकल स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो जाता है। तो जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना जाता है, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल की उपस्थिति के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन गुणों में जो है जीवाणु पौधों के समान होते हैं, तो किन गुणों में जो बैक्टीरिया प्लांट्स के समान होते हैं उसमें वाल की उपस्थिति एवं प्रसरणी पोषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेसर प्रोटीन्स का निर्माण मुख्य लक्षण है, तो रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण मुख्य लक्षण है लय जनकता चक्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक प्रोटीन्स का निर्माण विभेदीय गुण है, तो यह है आपका लयनिज चक्र का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, निम्न में से कौन असीब केंद्र की नहीं है, ठीक है। तो जो यीस्ट है सैक्रोमाइसिस एवं राइजोफस, ठीक है, ये क्या है, असीम केंद्र की नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन असीम केंद्र की है, तो स्पीकोलाई, ठीक है, वो क्या है, एक असीम केंद्र की है। जीवाणु की खोज को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था, वो ल्यूवेन हॉक ने चित्रित किया था, ठीक है। ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी, तो उसने की थी बरसाती पानी एवं लार से, ठीक है, बरसाती पानी एवं लार से जो है बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। जीवाणु में डीएनए अणु की संख्या कितनी होती है, तो बैक्टीरिया में जो डीएनए होते हैं उनकी संख्या होती है एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग न उत्पन्न करने वाला जीवाणु मानव, तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमारी जो इंटेस्टाइन होता है, मानव जो ह्यूमन होता है उसकी इंटेस्टाइन में सदैव उत्पन्न रहता है, लेकिन वो वहाँ पे कोई बैक्टीरिया कोई भी डिसीज जो है उत्पन्न नहीं करता है, या कोलाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी रिपीट हो जाता है कई बार, ठीक है। तो कौन सा रोग न उत्पन्न करने वाला जीवाणु मानव की आंत में सदैव पाया जाता है, तो इससेरिया कोलाई, जो एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे जो है डाइजेशंस में हेल्प करता है, हमारे इंटेस्टाइन के लिए जो है ये क्या होता है, हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किसने सिद्ध किया कि जीवाणु स्वतः जनन से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो ये सिद्ध किया था पाश्चर ने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सबसे छोटे आकार के जीवाणु किस वर्ग के होते हैं,
तो सबसे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो किस वर्ग के होते हैं, वो आपके होते हैं जो राउंड शेप्ड के होते हैं, गोलाकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा लेमा के अंतर्वलन से बनी, प्लाज्मा लेमा के अंतर्वलियन से बनी संरचनाएं, तो मीजोसोम्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा लेमा के अंतर्वलियन से बनी संरचनाएं क्या कहलाती है, मीजोसोम्स कहलाती है। रिकेट्सिया, रिकेट्सिया किन जीवों का वर्ग है, तो ये बैक्टीरिया का एक वर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की रचना किसके अधिक समान है, तो वो है आपकी माइटोकांड्रिया के अधिक समान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफाइलोकोकस, ठीक है, स्टाफाइलोकोकस जीवाणु की कोशिकाएं कैसे व्यवस्थित रहती है, तो पटिका रूप कॉलोनी में व्यवस्थित रहती है। जीवाणु पादप होते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ जो है दृढ़ कोशिका भित्ति यानी हार्ड सेल वाल उनमें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु डंडाकार है, तो बेसिलस सबटाइलस क्या है, वो डंडाकार है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाणु की सामान्य आकृति किस प्रकार की होती है, तो एक जीवाणु की जो सामान्य आकृति होती है वो डंडाकार होती है, ठीक है। अब देखिए, जो इनमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो कहलाते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें कि फ्लैजिला अब्सेंट होगा, ठीक है। तो अब जो बैक्टीरिया में जो सेल वाल बनी होती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में जो सेल वाल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन या पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, ठीक है। अब एक ही छोर पर फ्लैजिला जिनमें होता है वो कहलाते हैं आपके लोफोट्राइकस, ठीक है, एक ही छोर पे जिन पे जो है फ्लैजिला प्रेजेंस होता है जो विब्रियो कॉलरी है, जो हैजा है, कॉलेरा है, उसका जो बैक्टीरिया होता है उसके बैक्टीरिया को कहते हैं विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कॉलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन जीवाणु को न तो ग्राम तकनीक द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है और नहीं उन्हें संश्लिष्ट माध्यम पर उगाया जा सकता है, तो माइकोबैक्टीरियम लैप्री है, ठीक है, इनको न तो ग्राम टेक्निक द्वारा जो है अभिरंजित किया जा सकता है, नहीं उन्हें संश्लिष्ट माध्यम पर उगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसमें मुख्य अंतर किसका है, तो उनमें जो जो मेन डिफरेंस है वो सेल वाल का डिफरेंस है, ठीक है। 46 जो क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में अब्सेंट होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया में अब्सेंट होता है, तो बैक्टीरिया में जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बैक्टीरिया की सेल वाल होती है किन मुख्य जो है कंपोनेंट की बनी होती है, तो अमीनो एसिड एवं पॉलीसेक्राइड की जो है बैक्टीरिया की सेल वाल जो बनी होती है मेन कंपोनेंट, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वाल किसकी बनी होती है, ठीक है, तो ग्लाइको अथवा म्यूकोपेप्टाइड की वो बनी होती है, ठीक है। लिपिड एवं प्रोटीन किसकी सेल वाल के आवश्यक अवयव है, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो है सेल वाल जो होते हैं उनके मेन कंपोनेंट कौन कौन से, लिपिड एवं प्रोटीन्स, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है बडिंग एंड विखंडन के द्वारा, ठीक है, तो विखंडन और बडिंग जो है मुकुलन जो है माइकोप्लाज्मा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पिकुलाई जीवाणु किन कारणों से दवा प्रतिरोधी है, क्योंकि वो ग्राम निगेटिव है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिकुलाई जीवाणु के संदर्भ में यह सत्य है कि वे 3 माइक्रो आकार के ग्राम निगेटिव दंताणु हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे याद करने हैं आपको, ठीक है, रट्टा मारना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विशिष्ट अमीनो एसिड बैक्टीरिया की सेल वाल में पाया जाता है, तो डाई एमिनो पैमिलिएट, ठीक है, डाई एमिनो पिमेलिएट जो है ये बैक्टीरिया की सेल वाल में पाया जाता है। 54 क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा पदार्थ बैक्टीरिया की सेल वाल में नहीं होता, तो सेल्यूलोज, क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है वो बैक्टीरियास की सेल वाल में नहीं होता, सेल्यूलोज प्लांट की सेल वाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, बैक्टीरिया की सेल वाल के संदर्भ में सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं है, तो ये इसमें बताना है कि बैक्टीरिया की जो सेल वाल है उसके संदर्भ में सत्य क्या नहीं है, कि वे एंटीजेनिक नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकोप्लाज्मा को खोजा गया था, तो वो खोजा गया था पशुओं के संक्रमित पार्श्व तरल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फ्लैजिनिन, ठीक है, फ्लैजिलिन मोनोमियर की पंक्ति की संरचना जो कि फ्लैजिलम बनाती है वो होती है कितनी, 8, ठीक है। तो फ्लैजिलिन मोनोमियर की पंक्ति की संरचना जो कि फ्लैजिलम बनाती है वो कितनी होती है, 8 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 58 वाला, जो बैक्टीरिया होती है उसमें पिलाई कैसे काम करती है, तो पिलाई जो काम करती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्थापित करने में काम करती है, ठीक है।
बैक्टीरिया में जो है मूवमेंट्स किस प्रकार की होती है, तो उसमें जो है रासायनिक अनुचलन जो मूवमेंट्स गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया की में जो फ्लैजिला की जो है अद्वितीयता का जो लक्षण है, एक तंतुक होना, ठीक है। जीवाणु के कशाविकों की अद्वितीयता का जो क्या कारण है उसमें, तो उनका जो कारण है एक तंतुक होना, ठीक। तो ये अभी 60 तक की क्वेश्चन है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है, क्योंकि एक्चुअली जो है ये इंग्लिश वालों के लिए काफ़ी जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप नॉर्मली समझ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला कुछ जो है काफ़ी, क्योंकि जो है ये सारे क्वेश्चंस हिंदी में है, तो इंग्लिश वाले को यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है समझ में, अगर जो क्वेश्चंस आए हैं समझ में, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड तो यहाँ पे जैसे कुछ इंग्लिश में जो है जैसे आपको समझ में आ गए, लेकिन कुछ कुछ जो है थोड़ा इसमें जो है वर्ड जो है हिंदी के थोड़ा हार्ड है। तो इससे आगे के जो क्वेश्चंस में जो है बाद में लाऊंगा, फिलहाल तो आप ये इन क्वेश्चंस को याद कीजिए, सारे क्वेश्चंस जो ये इम्पोर्टेंट्स हैं, और अभी मैं जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, और बाकी इंग्लिश वालों के लिए मैं अलग से वीडियोज़ बना के ले आऊँगा। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं गाइज, और ये सारे क्वेश्चंस आपके 11th की जो है बायो बुक से हैं, बैक्टीरिया वाले चैप्टर से, ठीक है।